नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 5 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है संयुक्ताक्षर, द्वितीय व्यंजन, रेफ और पदिन की मात्रा वाले शब्द। तो आज मैं आपको पदिन की मात्रा का प्रयोग सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आप र के पदिन रूप की पहचान करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि खड़ी पाई वाले व्यंजन यानी कि जिन वर्णों में सीधी लाइन होती है उनमें र का पदिन रूप तिरछी रेखा के आकार में नीचे की तरफ लगाया जाता है। जब पाई रहित व्यंजन जो कि नीचे से घुमावदार वर्ण होते हैं उनमें इंग्लिश के अक्षर वी के उल्टे आकार के रूप में नीचे की तरफ र का पदिन रूप प्रयोग में लाया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। खड़ी पाई वाले व्यंजन यानी कि जिन वर्णों में सीधी लाइन होती है उनमें र का पदिन रूप तिरछी रेखा के आकार में नीचे की तरफ लगाया जाता है। जब पाई रहित व्यंजन जो कि नीचे से घुमावदार वर्ण होते हैं उनमें इंग्लिश के अक्षर वी के उल्टे आकार के रूप में नीचे की तरफ र का पदिन रूप प्रयोग में लाया जाता है। यह है र का पदिन रूप, ठीक है। जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनके साथ हम इस तरीके की मात्रा लगाएंगे, जो घुमावदार व्यंजन होते हैं उनके साथ हम ये वाली मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ये वी जो इंग्लिश में जो वी होता है, ठीक है, उसके उल्टे आकार की मात्रा लगाई जाएगी, ठीक है। मैंने सभी व्यंजन लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं हम उसमें ये वाली मात्रा लगाएंगे, ठीक है। देखो ये खड़ी पाई वाला है ये, ठीक है, आप भी साथ में लिख लीजिएगा। ये देखिए खड़ी पाई वाले व्यंजन है ये लाइन खींची हुई है, सीधी लाइन खींची हुई है, मतलब ये खड़ी पाई वाले हैं। इसकी कोई मात्रा नहीं है क्योंकि ये तो खुद ही इसकी साउंड है ना, ठीक है। ये हो गए आपके खड़ी पाई वाले। अब घुमावदार व्यंजन कौन से हैं, देखिए ये ट ठ ड ढ, ठीक है, ये हो गए आपके घुमावदार व्यंजन। तो इसमें लगाएंगे आप इस तरीके की मात्रा, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब हिंदी में कौन से वर्ण खड़ी पाई के हैं और कौन से वर्ण, ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन से वर्ण खड़ी पाई के हैं, ठीक है। अब आप इसका उच्चारण सीखेंगे। जब वर्ण आधा बोले और इसके तुरंत बाद र की ध्वनि सुनाई आए तो वहाँ पर र का पदिन रूप प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण क प्लस र क्र का जो कि खड़ी पाई का व्यंजन है तो इस पर नीचे की तरफ तिरछे आकार में र का पदिन रूप प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट प्लस र मिलकर बना ट्र। ट जो कि पाई रहित व्यंजन है नीचे से घुमावदार है तो इसमें र का पदिन रूप उल्टे वी के आकार में लगाया जाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी हमने लगाया है। आगे अब शब्द बनाना सीखते हैं। क र म क्रम च कर बना
चक्र। ट मिलकर बना ट्रेन। ड्रम भ्रम। अब कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। ड्रेस ड्रामा वक्र ट्रक उम्र प्रेम ब्रश प्रकाश राष्ट्र। ओके okay?